बीती रात सिविल लाइन इलाके में एक मकान में युवक और युवती का शव फंदे से लटका मिला। मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। घटना सोमवार की देर रात तरुण नगर इलाके का है, जहां मृतक युवक जोगेश बघेल और मृतिका नोरा नायक गुजियारी की रहने वाले थे। दोनों ने 5 से 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। बता दें कि तब से ही एक साथ किराए के मकान में वो रहते थे। युवक किसी संस्थान में प्राइवेट नौकरी करता था। जानकारी के मुताबिक बीती रात 12 बजे दोनों का शव फंदे से लटका मिला, जिसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रात अधिक होने की वजह से कमरे को सील किया गया। दोनों मृतकों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम को भेजा गया। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत तरुण नगर के निवासी मौजूद रहमान के यहाँ किराए में एक दंपत्ति योगेश पटेल और मीना नायक रहते थे। पिछले 3-4 दिनों से उनके घरों में कोई भी हलचल नहीं थी। जब घर से दुर्गंध आने लगी तो आसपास के लोगों ने, मकान मालिक ने देखने का प्रयास किया तो ये ज्ञात हुआ कि दोनों पति पत्नी के द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिस पर मामले को सदर कायम करके जांच में लिया गया है और प्रारंभिक जांच में अभी तक के आत्महत्या की कोई वजह स्पष्ट नहीं हुई। दोनों योगेश पटेल जो है वो किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था और दोनों ही स्थानीय रायपुर के निवासी हैं और किराए में मकान लेकर ही तरुण नगर में रहते हैं। अभी इसमें जांच जारी है और जांच के बाद इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से इनके द्वारा